ପଢଉଛି ହେବେ। हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करिबा जे हमर क्लास डे नंबर 5 10 मिनट 10 अरिथमेटिक क्वेश्चन। बेसी किछ कहिबेनी, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन को जेबा। क्वेश्चन नंबर 1 रमेश एंड रोहित इन्वेस्टेड ए टोटल सम ऑफ रुपीस 31500 फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ एंड 4 मंथ रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम इज 15:16। फाइंड द सम इन्वेस्टेड बाय रोहित। अच्छा वर्तमान मते कहि मंथ केते अछि मो पकरे ना सर 4 मंथ एंड 3 मंथ। इन्वेस्टेड रुपीज केते अछि मते जणा नै, दैट मींस एक्स इनटू वाई। टाइम पीरियड केते अछि ना सर 3 मंथ एंड 4 मंथ। टोटल प्रॉफिट रो रेशियो केते अछि 15/16। अच्छा 3 से कैंसिल करले केते आसबे ना सर 5, 4 रे कैंसिल करले केते आसबे ना सर 9। तो जो इन्वेस्टमेंट रो रेशियो केते आसला को ना सर 5:4, दैट मींस मो पकर जो वैल्यू आसला केते आसला ना सर 9:9। अच्छा 9:9 रो वैल्यू मते केते इतला ना सर 31500। मतलब क्वेश्चन पचार जे कहार वैल्यू कोना सर, क्वेश्चन पचार जे रोहित रे इन्वेस्टमेंट केते थिला, दैट मींस 4 यूनिट रे वैल्यू केते। 9 रे कैंसिल करले मते केते दबो कोना सर 9 3 27, देन तपर मो पारे बळिबो केते को 9 3 27, देन 4 45, 9 5 देन 00। तो 4 यूनिट रे वैल्यू केते आसो 35 × 70, 70 × 46, दैट मींस 14000। ऑप्शन नंबर डी इज सॉरी ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़िबो एबे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू दे द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द सम ऑफ रुपीज 8400 एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4 ईयर इज रुपीज 2520। अच्छा मत कह 2520 केते वर्ष इंटरेस्ट मिलछ 4 वर्ष रे, तो वर्ष को केते आसीबो को ना सर वर्ष को 630। कहा ऊपर मिलबो ना सर 8400 ऊपर केते परसेंटेज पचार जे 0000 कैंसिल, 7 रे कैंसिल करले सर 90, 7 रे कैंसिल करले 12, 6 रे कैंसिल करले 2, 6 रे कैंसिल करले 15, 15/2 वैल्यू केते आसीबो ना सर 7.5। ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A lawn is in the form of the rectangular having the side in the ratio 3:2 respectively and the area of the lawn is 1/6 of the hectare। Acha gote hectare jodi ame kahuje kon na sir 10000 mor kon na sir meter square, to 1/6 ra value kete jo mate kaho na sir 1/6 ra value mo pakre e gala kete na sir 5000 divided by 3 eti kon asla mo pakre na sir area asla। अच्छा रेक्टेंगुलर कौन थला मो पखरे लॉन, दैट मींस यार एरिया केते होबो को ना सर 3 × 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू मते केते दिजु को ना सर 5000 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा 2 रे को कैंसिल करले केते आसीबो को ना सर 2500, ये 3 एठी मल्टीप्लाई हिजु तो एक्स रो वैल्यू केते आसीबो को ना सर 50/3। जदि एक्स रो वैल्यू 50/3 मते क्वेश्चन पचार जे कोन पेरिमीटर, पेरिमीटर रो माने कोन सर लेंथ प्लस ब्रेड, दैट मींस केते हे गला सॉरी 2 होल इनटू लेंथ प्लस ब्रेड, दैट मींस वैल्यू केते जो कोन सर 5x × 2, दैट मींस 10x 10 × 50/3। तो वैल्यू असला कोन ऑप्शन नंबर ए 500/3। क्लियर। देखो प्रत्येक क्वेश्चन जहां भी हम करू छे, एबे जो हमर एग्जाम चली छे आरआरबी पीओ क्लर्क जहां भी आगु गछि सेही बेसिस रे एग्जाम करू छी। और ऑलरेडी क्वेश्चन देखि थबो प्रीवियस जो हमर 7 तारीख एग्जाम सरी कोई टाइप रो क्वेश्चन आसीला, ठीक तार लेवल रे क्वेश्चन अच्छे, बस क्वेश्चन को भल प्रैक्टिस कर। प्रत्येक दिन ये सीरीज हमर कंटिन्यू हो जाए, प्रत्येक दिन ये सीरीज को देखु था ताकि एग्जाम रे जमे तुम अरिथमेटिक रे कोनो प्रकार असुविधा होवे नी। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 कोन देथरा, क्वेश्चन नंबर 4 द एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय मोहित इन क्यू ए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ऑन कोन मोर सर इंग्लिश इज 27। द एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय him in quantitative aptitude and english is 27, find the mark obtained by mohit in reasoning। asa matko average thila 27, tin jan kara di jan kara value 27 achi, ta aro jan kara value bi kete asbo na sir same 27 asbo, to je average mor kon rebo na sir constant rebo 27 re, that means option number b is my correct answer। agu badiba ya pai kiche calculation dorkari nathila। क्वेश्चन नंबर वर्तमान आसे हमें 5 को, ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 18 डेज, ए गोटे काम केते दिन रे कंप्लीट करजे को ना सर 18 डेज रे कंप्लीट करजे, व्हाइल सी कैन कंप्लीट द टास्क इन 22 डेज, सी मोर केते दिन रे कंप्लीट करजे ना सर 22 दिन रे कंप्लीट करजे, इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इफ ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द टास्क इन 9 डेज। त माने ए बी आउ सी मोर केते दिन रे टोटल काम कंप्लीट करजे ना सर 9 डेज रे,
LCM केते आसला ना सर 198 एफिशिएंसी ऑफ ए आला 11 यार वैल्यू केते आसीबो को ना सर 9 एठी एफिशिएंसी रो वैल्यू केते आसो ना सर 22 अच्छा देखो तीन जण को एफिशिएंसी मिसी के केते अछि ना सर 22 एठी ए आ सी रो एफिशिएंसी मिसी के केते अछि ना सर 20 तो बी रो एफिशिएंसी केते जो ना सर बी रो एफिशिएंसी 2 हे गला बी रो एफिशिएंसी 2 सी रो एफिशिएंसी 9 तो टोटल एफिशिएंसी 11 टोटल काम को केते दिन रो कंप्लीट करियो पचर जी दैट मींस सर 18 डेज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर क्लियर बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 को जीव देखो क्वेश्चन नंबर 6 देला कौन द बर्थ ईयर ऑफ द थ्री फ्रेंड्स आर कंसेक्यूटिव द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डेस्ट फ्रेंड इज 8% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट फ्रेंड व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फ्रेंड हु इज बोर्न इन बिटवीन दिस टू अच्छा जदि मो पाखे गोटे बर्थ ईयर कौन अच्छे ना सर कंजुगेटिव अच्छे दैट मीन एपी अच्छे जदि एपी अच्छे मुझे जदि फास्ट पर्सन रहा 108 थे ये थी शहे थी अच्छा ये मिडिल नंबर वैल्यू के कौन सर 2×104 ये सर नो कहीं एपी आम गोटे सीरीज जानचे कौन ना जो तीन टा जिन मोर एपी अच्छा तो ये मिडिल वैल्यू कौन हम ना सर ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी क्लियर अच्छा देखिए ये मो पाखे गैप के कौन सर गैप मो पाखे 8 रे अच्छी तो कंजुगेटिव ईयर गैप के सर 2 रो तो 1 रो वैल्यू के ना सर 1/4 मत पचार कौन मिडिल वैल्यू रो एज के हम दैट मीन से 26 ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर बढ़िया अब क्वेश्चन नंबर 7 को क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्वेश्चन नंबर 7 कौन दीजिए शॉपकीपर मार्क इज आर्टिकल सॉरी मार्क इज गुड्स 5% अबव द कॉस्ट प्राइस इफ आफ्टर ट्रिवलिंग द मार्क प्राइस दैट मीन्स जदि मो पाखे कॉस्ट प्राइस 100 था तो मार्क प्राइस केते अछि 105 ताको ट्रिपल कर दीजिए दैट मीन्स वैल्यू केते गेला मार्क प्राइस 315 आ गेफ दीजिए कोन 30% रो डिस्काउंट जदि 30% रो डिस्काउंट दिया होची त माने बिकी जे केते रे कोन सर 70% रे अच्छा मते को 10% रो वैल्यू केते 31.5 त 70% रो वैल्यू केते जइबो * 7 मल्टीप्लाई करले केते आसबो 7535 53 7 7 3 10 0 1 21 केते गला 22 त माने बिकी जे केते रे कोन सर 220.5 रे किनी थिला 110 रे त प्रॉफिट केते करथियो मते को ना सर प्रॉफिट वर्तमान मो पकर गेला केते ना सर 120.5 ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर क्लियर हबे बढ़िया हबे क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्वेश्चन नंबर 8 ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 रेस्पेक्टिवली अच्छा मिल्क रे मिक्सचर रे मिल्क और वाटर केते अछि ना सर 3:2 अछि इफ 32 लीटर ऑफ द मिल्क 32 लीटर मिल्क और 32 लीटर वाटर मोर ऐड हिची देन मो पखरे रेशियो केते आसे 10:7 त माने 10 आ 7 21:20 त गैप आसीबो 1 रो एठी मो पखरे गैप अछि 3:32 त माने 3:32 क्वेश्चन ने पचार थला फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सर इनिशियल क्वांटिटी केते अछि 500 तो 5 रो वैल्यू केते हिजबो ना सर 32 गुणन 5 गुणन 3 तो 160 3 वैल्यू केते गेला 480 ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर क्लियर बढ़िया क्वेश्चन नंबर 9 को वर्तमान देखो क्वेश्चन नंबर 9 मते कोन दिजे क्वेश्चन नंबर 9 मते देला ए बोट ट्रैवल 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम 25 किलोमीटर मोर कोथरे जाउछ ना सर अपस्ट्रीम रे एंड 39 किलोमीटर कोथरे जाउछ ना सर मोर डाउनस्ट्रीम रे केते समय नौ वर्तमान मत कहना सर 8 अच्छा देखिए 39 ये नंबर को ही देखिए गेस कर दैट मीन्स ये 8 आसी तो ये नंबर मोर कौटे ना कौटे 39 मोर डिविजिबल वाला नंबर है दरकार तो मुझे सर ये 13 हो पार जदि 13 हो पार क्वेश्चन मतलब पचार फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर रे बोट स्पीड केते हो मते पचार जी अच्छा देख ला तमने एक्स रो वैल्यू मते पचार जी मते गोटे सिंपल जिनस कह जदि मु एठी एक्स रो वैल्यू 6 पकाए तो एठी वाई रो वैल्यू 1 आसले मु 5 डिवाइड करि परिबे 6 1 7 एक तो कैनसल करि परिबोनि जदि एठी मु 9 पुट करूची तो 9 पकेले केते आसीबो कोन सर 9 - 4 एठी 9 + 4 13 13 रे कैनसल करले 3 5 रे कैनसल करले 5 दैट मींस हमर 8 हो गला दैट मींस मते को एक्स रो वैल्यू केते आसला ना सर 9 तो ऑप्शन थ्रू रे पळे जा क्वेश्चन बहुत जल्दी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करबा दरकार नै बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 10 एंड आज क्लास रो लास्ट क्वेश्चन देखो देखो लास्ट क्वेश्चन कोन दैथला ए बॉक्स हैज 4 रेड 8 ब्लू एंड 5 ब्लैक बॉल्स इफ 3 बॉल्स आर बी पिक्ड अच्छा तीन टा बॉल मते पिक करिवार अछि दैट मींस 5 8 13 13 4 केते गेल मो पखरे ना सर 17 17 रो जे कोन से तीन टा बॉल मते पिक करिवार अछि ठीक अछि इफ 3 बॉल्स आर टू बी पिक्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बॉल्स आर ऑफ सेम कलर सब जगह सेम कलर हेथवा दरकार दैट मींस 4 टा रो 3 टा को मोर कोन हेथवा दरकार रेड हे पारे या फिर सर 8 टा रो मो पखर 3 टा को रेड हे पारे या फिर सॉरी ब्लू हे पारे या फिर 5 टा रो मो पखर 3 टा ब्लू हे ब्लैक हे पारे 4c3 वैल्यू केते ना सर 4
प्लस 8C3 रो वैल्यू केते आबो ना सर 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाय 6 कैंसिल करले केते आसीबो 56 देन प्लस 5C3 रो वैल्यू केते आबो ना सर 5C2 दैट मींस वैल्यू केते आसीबो ना सर 10 अच्छा 10 जदी अछे मो पर देखले एटी ऐड करले ये गेला मो पर 60 60 10 केते आसीबो ना सर 70 डिवाइडेड बाय एटी मो पर 17C3 माने 17 × 16 × 15 डिवाइडेड बाय 6 3 रे कटले 2 3 रे कटले 5 2 रे कटले केते आसीबो ना सर 8 ठीक अच्छे तो मल्टीप्लाई वर्तमान कर देबा देखो 5 × 40 40 रे 70 मल्टीप्लाई करले 680 दैट मींस 680 00 कैंसिल तो 7/68 दिस इज योर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्लियर तो आज क्लास को हम एटी एंड करवा प्रत्येक दिन ये सीरीज हमर कंटिन्यू रही है प्रत्येक दिन राति 10 ये जिनस को देखु था ताकि तुम जो नेक्स्ट एग्जाम आसूँ 13 तारीख और 14 तारीख दिन ताकि किसी बुस्टअप तुमको मिल जाए ओके थैंक यू सो मच।